हेलो गाइस वेलकम टू अन अकेडमी यू मैं खुशी चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने और आज की करंट अफेयर्स लेकर के यानी कि 27 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स लेकर के एक बार फिर से हूँ आपके सामने और अगेन ही इस पूरे के पूरी करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो इसी uh, वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जहां पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे उपलब्ध सारे के सारे पीडीएफ्स को जो कि इस क्लास के लिए आपको मिल जाएंगे इस करेंट अफेयर्स की क्लास के लिए आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सो अगेन विदाउट वेस्टिंग आर टाइम स्टार्ट करते हैं आपकी अच्छी करेंट अफेयर्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके अपकमिंग यूपीपीसी एग्जामिनेशन के लिए और उन सारे एग्जामिनेशन के लिए जो कि कंडक्ट कराया जाते हैं यूपीपीएससी और यूपी पलएससी के थ्रू सो so आ जाइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सो so भाई देखिए आपका पहला जो प्रश्न है इसमें आपसे बोला जा रहा है है कि जीवन शक्ति योजना ठीक है जीवन शक्ति जो योजना है निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है आपको बता दूं कि ये जो जीवन शक्ति पहल है या योजना है ये आपकी मध्य प्रदेश राज्य की एक पहल है अब कैसे पहल है क्या करेंगे इसमें इसको देख लेते हैं हम लोग देखिए आपसे बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में कहां पे शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं अपने घरों पर सूती के यानी कि जो आपका कॉटन क्लॉथ होता है उसके मास्क बनाएंगी जिसको सरकार ग्यारह रुपए प्रति मास्क की दर से खरीदेगी तो आप अब अपने आप से समझ सकते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करी जा रही है इस जीवन शक्ति योजना के तहत आपके मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा देन मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना को लॉन्च करते हुए मास्क बनाने के लिए पंजीयन करा चुके यानी कि रजिस्ट्रेशन करा चुके कुछ महिलाओं से बातचीत भी की इन्होंने आपको बता दूं कि इसके साथ साथ लॉकडाउन के दौरान घर बैठे रोजगार मिलेगा और आमदनी के साथ आर्थिक रूप से मजबूती भी मिलेगी ये सभी को समझ में आ जाना चाहिए सो so, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए जीवन शक्ति योजना का पार्ट टाइम के लिए है बट स्टिल ये हमारे लिए एक अच्छी पहल है ये मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी पहल है जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे नो डाउट पूछी जा सकती है देन आपको बता दूं कि मास्क बनाने की इच्छुक जो महिलाएं हैं उनको अपने फोन के जरिए कॉल सेंटर नंबर जीरो सेवन डबल फाइव टू सेवन डबल जीरो डबल एट डबल जीरो पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा रजिस्ट्रेशन के उपरांत उन्हें उनके मोबाइल पर ही मास्क बनाने का ऑर्डर मिल जाएगा कि भाई आपको इतनी क्वांटिटी ऑफ मास्क है प्रिपेयर करनी है बनानी है एक बार में उन्हें काम कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर मिलेगा कम से कम 200 की कैपेबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए मास्क जो होंगे वो सूती कपड़े का बनाना है मास्क 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 बनाने के के उपरांत से अपने अपने नगरीय निकाय में बनाए गए एक नोडल अधिकारी पास जमा जमा करा देंगी करवाते ही उनको भुगतान की कार्यवाही की जाएगी भुगतान उसी दिन अथवा अगले दिन उनके खाते में प्राप्त हो जाएगी तो एक अच्छा तरीका है कि घर की जो महिलाएं हैं वो ये काम कर सकती हैं मास्क बनाने का और अपने लिए इनकम का एक सोर्स क्रिएट कर सकती हैं क्रिएट कर सकती है, आपको बता दूं कि की जो है वो भोपाल इनका राष्ट्रीय जो पशु है वो ठीक है, 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 है।, है फूल की बात करूंगी तो आम है नेशनल आपको मैं बता दूं हमेशा से बताती हूँ कि काना किसली हुई बांधवगढ़ हुआ आपका संजय हुआ, वन, वन हुआ पन्ना हुआ सतपुड़ा हुआ पेंच हुआ मंडला हुआ जीवाश्म हुआ ये सारे के सारे क्या हैं आपके नेशनल पार्क हैं। धन आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, आपके गवर्नर लालजी टंडन हैं, एंड पॉपुलेशन करीब सात दशमलव तीन तीन करोड़ है आपके मध्य प्रदेश की अकॉर्डिंग टू देंसस टू थाउजेंड इलेवन एंड ट्वेल्व देन आते हैं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे क्या निम्न में से किसे एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंट कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और मुझे पता है कि सबको पता होगा कि संजय कोठारी जो है इनको बनाया गया है आपका क्या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपको बता दूं कि संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई गई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और अन्य सभी भी उपस्थित थे आपको बता दूं कि कोठारी जो है वो हरियाणा कैडर के नाइनटीन बैच के आई अधिकारी हैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव के रूप में जून 2016 में ये सेवानिवृत्त हुए थे उन्हें नवंबर 2016 में सरकार के प्रमुख लोक उद्यम चयन बोर्ड पीई का प्रमुख भी नियुक्त किया गया था आपको बता दूं कि कोठारी को, को जुलाई 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में भी नामित किया गया था देन आपको बताऊं कि केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में होते हैं और गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं आपको बताऊं कि सीवीसी की प्रमुख का कार्यकाल जो होता है वो चार साल का होता है या जब तक कि वो पैंसठ साल की उम्र के नहीं हो जाते तो चार साल का कार्यकाल है ये याद रखिएगा जितनी भी आपकी बॉडीज है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है अगर आप उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा देन कोठारी का जो कार्यकाल है वो अगले साल जून के अंत तक हुई रहेगा और वो समाप्त हो जाएगा आपको दिखा दूं कि ये हैं आपके संजय कोठारी जी इन्होंने शपथ ले ली है एज अ सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर आपको विजिलेंस कमीशन के बारे में बता दूं कि केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 फेब फैब में हुई थी भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में है स्वायत्त निकाय किसी भी कार्यकारी प्रधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है यह केंद्र सरकार में सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है यह विभिन्न अधिकारियों को उनके सतर्कता कार्य की योजना क्रियान्वयन समीक्षा और सुधार की सलाह भी देगा सो so, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़नी चाहिए देन आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है थोड़ा सा डेप्थ में है इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बोल रहे हैं आपसे क्या कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 रीच फॉर गोल्ड आईपी एंड सपोर्ट विषय के साथ में मनाया जा रहा है 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए समझौता हुआ था भाई आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है बट अगर आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कैसा है बिल्कुल सही है तो आप बोलोगे कि केवल दो सही है बाकी आप अपना डिटेल्स में पढ़ लोगे देखो भाई बोल रहे हैं क्या कि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है सभी को पता चल गया दूसरी चीज इस दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो बौद्धिक संपदा के अधिकार हो लाइक आपका पेटेंट होता है ट्रेडमार्क होता है आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन होती है कॉपी होता है इन सभी चीजों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है या उनको करना है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 का जो विषय रहा भाई इधर से थोड़ा डिफरेंट था इनोवेट फॉर द फॉर अ ग्रीन फ्यूचर इसका क्या था विषय था इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा देन आपको बता दूं कि 26 अप्रैल या आप बोलो कि यह आयोजन 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा स्थापित किया गया था 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए समझौता लागू हुआ था तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है देन ये है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का लोगो या थीम आप देख सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यू आई पी ओ या आप बोलोगे वीपो बौद्धिक संपदा सेवाओं नीति सूचना सहकारी संयोग के लिए एक वैश्विक मंच है इसकी स्थापना उन्नीस सौ सड़सठीन सिक्सटी सेवन में हुई थी ये संयुक्त राष्ट्र एक विशेष एजेंसी है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इसके सदस्यों की संख्या 193 है और इसका जो मूल संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है यानी कि आपकी जो आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इज अ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है देन आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपसे बोला जा रहा है कि हाल ही में खबरों में देखा गया वाइटल क्या है अगर थोड़ी भी करंट अफेयर्स पता चली होगी आपको तो आपको बता दूं कि यह एक आपका क्या है वेंटिलेटर है अब ये जो वेंटिलेटर है इसके बारे में जान लीजिए कि नासा के इंजीनियरों ने कोविड नाइनटीन रोगियों के इलाज के लिए विशेष रूप से एक नया आसानी से निर्मित उच्च दाब वाला वेंटिलेटर विकसित किया है उपकरण जिसे वाइटल यानी कि वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल कहा जाता है को मरीजों के कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों के उपचार के लिए पारंपरिक वेंटिलेटर की सीमित आपूर्ति को देखते हुए तैयार किया गया है इस वक्त सभी का मेन कंसर्न यही हो रहा है कि मैक्सिमम मैक्सिम की निर्माण कर सकें आपको बता दूं कि वाइटल को तेजी से बनाया जा सकता है और पारंपरिक वेंटिलेटर की तुलना में अधिक आसानी से बनाए रखे जा सकता है और यह बहुत ही कम हिस्सों में बना होता है जिसमें से कई वर्तमान में मौजूद आपूर्ति यानी कि सप्लाई श्रृंखलाओं सप्लाई चेन के माध्यम से संभावित निर्माताओं के लिए उपलब्ध भी हैं नासा जो है वो अब तक आपातकालीन या अब आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के माध्यम से उपकरण के लिए एफ डी की मंजूरी की मांग कर रहा है संकट की स्थितियों के लिए विकसित एक फास्ट ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया जो वर्षों या आप बोलोगे जो वर्षों के बजाय सिर्फ कुछ दिनों में ही आपका क्या करती है ये समय लेती है आपको बता दूं कि जो आपका नासा है ये 19 जुलाई या 19 उनतीस जुलाई 1958 में स्टैब्लिश था इसके संस्थापक मुख्यालय डीसी लखनऊ में है। इसके जो प्रबंधक है, है निम्न में से किस राज्य में धनवंतरी योजना शुरू करी गई है तो अभी हम एक योजना मध्य प्रदेश की पढ़ चुके हैं आपकी ये वाली जो योजना है ये असम की है अब क्या है इस योजना में खास आइए देख लेते हैं असम राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने धनवंतरी स्वास्थ्य विभाग ने धनवंतरी नामक एक विशेष योजना शुरू करी है जिसके तहत स्थानीय स्तर पर अनुपलब, अनुपलब्ध अनुपलब्ध यानी कि आ, आपकी जो दवाइया उपलब्ध नहीं है उन दवाओं को घर पर ही मरीजों तक पहुंचाया जाएगा यह दवा दो सौ तक मुफ्त है अगर आपको दो सौ तक की दवाइयाँ चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी आपको बता दूँ कि यदि आवश्यक दवा घर से दस किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध नहीं है तो सरकार घर पर दवा उपलब्ध कराएगी एक पर कॉल करके सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं इसका लाभ उठाया जा सकता है आपको बता दूं कि यदि यह दवा जिले के भीतर उपलब्ध है तो स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे के भीतर दवा की आपूर्ति कराएगा इसी तरह अन्य स्थानों से वितरण के लिए 48 घंटे की आवश्यकता योगी होगी यानी क्षेत्रीय केंद्र से और राज्य के बाहर से डिलीवरी के लिए एक सप्ताह की आवश्यकता होगी आपको बता दूं कि कुल चार हजार बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यकर्ता और राज्य भर से इच्छुक उम्मीदवार सीधे सेवा में शामिल होंगे आपसे बता दूं कि इसकी असम के बारे में कि जो असम की राजधानी है ये दिसपुर है इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोबेना, सोबेना, सोनोवाल हैं इनके राज्यपाल जगदीश मुखी हैं तो लालजी टंडन आपके एमपी के आपको पता चल गया होगा इनके बारे में पता चल गया होगा आपका असम का जो मैप है ये आप देख ही सकते हो आराम से

यह 2020 का अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस दो कारणों से विशेष है आपको बता दूं पहला तो कारण यह है कि पहली बार 25 अप्रैल 2020 को आपका अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया 2019 में महासभा ने 25 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में घोषित किया था 2019 में देन आपका जो सेकंड कारण है वो ये है कि 2020 के अवलोकन में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की मील का पत्थर की पिछहत्तरवीं भी शामिल है एक ऐसी घटना जिसने संयुक्त राष्ट्र की नींव को रखा था देन आप कहोगे मैम ये आंसर कैसे हुआ आ जाइए आपको बता दूं कि सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए यह सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य प्रतिनिधियों द्वारा एक संगठन स्थापित करना था जो विश्व को शांति को बहाल करेगा और युद्ध के बाद के विश्व व्यवस्था पर नियम जो है उनको निर्धारित करेगा आपको बता दूं कि यह सम्मेलन दो महीने तक चला पहली पहली बैठक के दो महीने बाद 26 जून 1945 को सम्मेलन में भाग लेने वाले 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहां से करेक्ट हो गया आपका जो लास्ट आंसर है वो हो गया इसका देन आपको बता दूं कि सम्मेलन के समय पोलैंड जिसकी सरकार नहीं थी ने बाद में चार्टर पर हस्ताक्षर किए इसीलिए सदस्य राज्यों की संख्या इक्यावन हो गई तो अभी आपके क्या है इक्यावन सदस्य हैं देन मैं आपको बता दूं कि ये है इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि दो देन आपको बता दू संयुक्त राष्ट्र के बारे में कि इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हुई थी यूएसए में कैलिफोर्निया यूएसए में हुई थी इसका जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरस है आप सभी को पता है देन आपके नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया बड़ा ही आरामदायक या अच्छा आंसर है उत्तर प्रदेश ने ये काम स्टार्ट किया और भारत का पहला राज्य बन गया है देन आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है यहाँ की अदालतें आंतरिक कनेक्टिविटी से चलेंगी जिसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी देन आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट व जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, के मुकदमे या उनसे मुकदमे की सुनवाई की जा सकेगी कोर्ट की कार्यवाही चलाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही सॉफ्टवेयर तैयार करके लॉन्च कर दिया गया है आपको बता दूं कि विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से लखनऊ पीठ सहित इलाहाबाद हाईकोर्ट व प्रदेश के जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई हो सकेगी आपको बताऊं कि उपलब्ध संसाधनों से ही सॉफ्टवेयर तैयार कर यह सुविधा दी गई है इस सेवा को विस्तार देने की प्रक्रिया जारी है शीघ्र ही सॉफ्टवेयर आधारित कोर्ट कार्य करने में तत्पर हो जाएगा या लग जाएगा आपको बता दो कि यह सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित है इसमें कनेक्टिविटी समस्या नहीं आती और अदालत की कार्यवाही चलाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही ये सुविधा तैयार की गई है जिस पर कोई आपत्ति या अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया है देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक हर्बल डिकोन्जेंट स्टेंट स्प्रे विकसित किया है सो so भाई आपको बता दूं कि ये किया गया है किसके द्वारा सी एस आई आर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने या नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एन बी आर ने एन बी आर आई ने देन आपको बता दूं इसके बारे में कि सी एस आई आर नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिकों ने एक हर्बल इस पर विकसित किया है ये ऐसे समय में आता है जब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए फेस मास्क की आवश्यकता अधिक होती है स्प्रे श्वसन प्रणाली में श्वास और जमाव की परेशानी हल करेगा जो लंबे समय तक मास्क पहनने के कारण होती है आपको बता दूं कि समस्या का मुख्य कारण मास्क के आंतरिक गुहा में कार्बन डाइऑक्साइड और आद्रता का संचय है जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो यह फिर से फेफड़ों में जाता है समय की अवधि में इस प्रक्रिया को पुनरावृत्ति श्वास द्वारा यानी कि सांस के द्वारा जमाव और असुविधा का कारण बनती है आप जब बहुत समय तक एक ही मास्क को यूज करते रहते हो तो उसमें कई बार स्मेल आने लगती है जो कि आपकी बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए आपके फेफड़ों के लिए बहुत तरह हार्मफुल हो सकती है तो इसके लिए ये स्प्रे बनाया गया है आपको बता दूं कि हर्बल डिकोन्जेंटेंट स्प्रे चार पौधों पर आधारित तेलों का एक मिश्रण मिश्रण है है। एक अच्छा है। उत्पाद आयुर्वेद के के सिद्धांतों आधार पर विकसित किया गया है और इसमें पारंपरिक शास्त्रों से बनाई गई सामग्री शामिल है यह सूत्रीकरण सांस की आसानी के लिए अग्रमी बलगम या खांसी को दूर करके श्वास नली और जमाव को साफ करने में मदद करता है यह मास्क और डिकॉन्जेस्टियन के अतिरिक्त या अत्यधिक उपयोग के कारण तनाव को भी कम करता है स्प्रे उन व्यक्तियों को उन लोगों को राहत देगा जो लंबे समय से मास्क पहन रहे हैं यह स्प्रे आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है आपका नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि ग्रीन वॉटसन का हाल ही में निधन हो गया वे थे एक भाई ये आपके बल्लेबाज थे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे देख लीजिए पच्चीस अप्रैल 2020 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर ग्रीन वॉटसन जो कि कैंसर से जूझ रहे थे उनका पचहत्तर वर्ष की आयु में निधन हो गया वह मुख्य रूप से मध्यक्रम के बल्लेबाज और मध्यम गति के गेंदबाज से जिन्होंने 1967 से 72 के बीच पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने श्रृंखला के दूसरे टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक जमाते हुए रोटसी और दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर या दौरे के दौरान 1966-67 में अपनी शुरुआत की थी वह देश के प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट्स शेफील्ड शील्ड में तीन पक्षों के लिए खेलने वाले पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर थे उन्होंने उन्नीस सौ बहत्तर तिहत्तर तो और पचहत्तर के मौसम में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के शेफील्ड में जीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सो ये हैं आपके ग्रीन वॉटसन आप इनको देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोल रहे कोविड नाइन्टीन के, के प्रसार की पूर्वानुमान के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है आपको बता दूं कि यह विकसित किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा अब क्या किया गया है इसमें देखेंगे मोबाइल फ्रेंडली डैशबोर्ड प्रकृति एंड एंड कोरोना ट्रांसमिशन इन इंडिया का विकास दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है जो भारत में कोविड नाइन्टीन मामलों के विस्तृत राज्यवार और जिलेवार विवरण देता है यह तीन हफ्ते आगे का अनुमान देगा और हर हफ्ते इसमें दी गई जानकारी अपडेट की जाएगी आपको बता दूं कि प्रकृति हेल्थ केयर बॉडी लोकल और केंद्र की अथॉरिटी को कोरोना से बचाव की प्लानिंग में मदद देगा कोविड 19 का एक पहलू है जो रिप्रोडक्शन नंबर आर यानी कि रिप्रोडक्शन नंबर आर ओ यानी कि मरीजों की संख्या जिन्हें यह बीमारी सिंगल इन्फेक्टेड शख्स से हुई है उसका पता लगाने में शायद हेल्प करेगा आपको बता दूं कि प्रकृति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व स्वास्थ्य संगठन से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक जिले और राज्य के रिप्रोडक्शन नंबर प्रदान करता है आपको बता दूं कि इस तरह का मंच स्वास्थ्य सेवा संगठनों के साथ साथ स्थानीय और केंद्रीय अधिकारियों के लिए पूर्वानुमान के विभिन्न परिदृश्यों और संसाधन आवंटन की कुशलता से योजना बनाने के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा भाई अगर हमें पता है कि इन अपकमिंग डेज अगर इतने सारे केसेस आने वाले हैं तो हम पहले से ही उन केसों की या उन केसेस की को डील करने के लिए

दो और सख् स्थिति है सो so, ये क्या था ये आपका पूरा का पूरा डिटेल थे आपके आज के करंट अफेयर्स की क्लास में एंड आई होप कि आप लोगों को ये क्लास जो है ये आपका ये जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा है कई चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले से ही पता होती हैं या पता होनी भी चाहिए सो so, इससे पता चलता है कि आपको कितना नॉलेज है इन करंट अफेयर्स क्योंकि ये आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी सो आई होप कि हम सभी लोग कोरोना से फाइट करने के लिए अपने घरों से बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं हमारे पास अभी समय है हम तैयारियां कर सकते हैं और हमारे पास समय है कि अभी हम अगर हम चाहें तो दो, हम दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं एज अ वॉलेंटियर्स भी काम कर सकते हैं सो हैव फेथ इन फ्यूचर कि आपका जो भविष्य है वो अच्छा होगा सरकार पे फेद करिए भरोसा करिए आने वाले समय बिल्कुल अच्छा होगा तो इसी के इसके सब शुभकामनाएं के साथ में मैं आपका आज का जो तो सेशन है वो एंड करती हूँ फिर मिलेंगे आपसे तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर एंड हाँ मैं फिर से बता दूँ आपको कि इस वीडियो का जो पी है वो पूरा का पूरा पी इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस चैनल से आपको मिल जाएगा साथ ही मैं आपको बता दूँ कि कल से यानी कि अट्ठाइस अप्रैल दो से शुरू हो रहा है हमारा बैच कोर्स जो कि फाउंडेशन कोर्स है यूपी पी एंड है यूपी यूपी पीसीएस के प्री और मेंस एग्जामिनेशन का जहाँ पे आपकी सारी तैयारी कराने की जिम्मेदारी अन अकेडमी एजुकेटर, एजुकेटर एजुकेटर्स की होगी सो ज्वाइन करिए उसको और अगर आपने अभी तक इनरॉल नहीं कराया तो इन करा लीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन बाय बाय डा टेक केयर गॉड ब्लेस यू बाय बाय